आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, कुबेर भगवान का जिक्र आता है वहाँ पे जहाँ पे भौतिक सुखों की कामना होती है, धन लक्ष्मी की कामना होती है। सब जानना चाहते हैं डिटेल्स में, इसके विषय में वीडियोस दी हैं मैंने। आप जानिए सबसे पहले कि कुबेर जी का दिन कौन सा है। देखिए, कुबेर का जो दिन माना जाता है पूजा पाठ अनुष्ठान का, वो होता है कार्तिक माह की त्रयोदशी। इसमें लक्ष्मी जी के साथ भगवान कुबेर जी की प्रार्थना करी जाती है, जिनको लक्ष्मी की दरकार होती है। कुबेर का शाबर मंत्र, बहुत सारे शाबर मंत्र हैं, एक मंत्र आपको दिखा रहा हूं। इस मंत्र का डिटेल्ड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा आई कार्ड में। कुबेर के यंत्र मिलते हैं, ये भी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाते हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं। कुबेर भगवान का गायत्री मंत्र कौन सा है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है सामने। कुबेर भगवान के मंत्र क्या हैं, इनकी इमेज भी देख रहे हैं आप। इनका वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक में क्लिक कर सकते हैं। एक जिक्र आता है कुबेर के पौधे का, जिसको जेड प्लांट कहते हैं, यानी कि धन संबंधी पौधा, धन को आकर्षित करने वाला पौधा। इसका लिंक भी आपको आई कार्ड में दिखाई दे जाता है। अगर कुबेर जी की साधना पूजा आराधना अनुष्ठान कर रहे हैं आप, अच्छा होता है अगर कुबेर हस्त मुद्रा बना के करी जाए। कुबेर हस्त मुद्रा क्या है, कुबेर हस्त मुद्रा का वीडियो भी आपको आई कार्ड में दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी और बातें, इसका कंद क्या है, शिव जी को दीपदान का क्या महत्व है, कुबेर जी की असली कहानी क्या है, जो मेन हमारा टॉपिक। अब कहानी को लेकर बड़ा लोगों में भ्रम है, थोड़ा से डाउट्स हैं, शास्त्रोक्त क्या है। उत्तम नारायण पांडे जी इस जस्ट मेरे दो मिनट के बाद में बताने जा रहे हैं कि इनकी कथा क्या है, क्या वास्तविकता है, क्या वास्तव में व्यसनी थे कुबेर जी, क्या वास्तव में चोर थे ये, और शिव जी की अहेतु की कृपा ऐसी हुई इनके ऊपर कि इनको धन का देवता बना दिया गया, धनाध्यक्ष बना दिया गया इनको। कितनी बड़ी चीज, क्या है वास्तव में सारी चीजें, क्या कालांतर में वही कुबेर जो चोर थे वो धनाध्यक्ष बनाए गए, कितनी बड़ी उपाधि मिली जिनको। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में जरूर करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक कर दें, आपको बहुत सारे गोपाल जी मोटिवेशनल वीडियोस के प्लेलिस्ट में बहुत सारे मिलते चले जाएंगे। आप देखिए और उत्तम नारायण पांडे जी को सुनिए, असली कहानी क्या है, जो शास्त्रोक्त बातें हैं वो क्या है। श्री सीताराम, पवित्र श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु सनातन धर्मी भिन्न भिन्न प्रकार से उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। पवित्र इस श्रावण मास में मैं धनाध्यक्ष कुबेर से संबंधित एक चर्चा आवश्यक समझता हूँ। कैसे एक जुआड़ी शराबी व्यक्ति इतने बड़े पद पर शिव कृपा से पहुँच गया। घटना कुछ इस तरीके की है कि अत्यंत प्राचीन समय की बात है, कई कल्प पुरानी बात है, कि यज्ञदत्त नाम के एक सज्जन व्यक्ति थे, बड़े धार्मिक, बड़े सदाचारी। उनका एक पुत्र था, नाम था गुणनिधि, और कोई बुरी आदत ऐसी नहीं जो उसके अंदर नहीं थी। जब उसकी आदत हद से पार हो गई, नशा करना, कुसंग करना, तो उनके पिता ने उसको घर से निकाल दिया, और भूख प्यास से वो भटकता रहा, इधर उधर भटक रहा था। एक दिन उसने एक शिव मंदिर देखा और उसको लगा कि भाई इसमें मंदिर में भोग आदि लगता ही है, तो रात में चल के वहाँ से भोग चुरा लें, नैवेद्य चुरा लें और अपना भोजन कर लें। रात में जब सारे लोग मंदिर बंद करके चले गए तो वो मंदिर में जाता है, और चूंकि मंदिर में अंधेरा रहता है तो अपने वस्त्र को थोड़ा सा फाड़ करके और उसको जला करके देखता है कि नैवेद्य कहाँ है। अब वो एक तरीके का दीपदान हो गया रात में। अब संयोग ऐसा होता है कि जिस समय वो कपड़े का टुकड़ा जला करके खाद्य सामग्री या नैवेद्य देखता है, उसी समय किसी सिपाही की दृष्टि उस पर पड़ जाती है और वो पकड़ा जाता है, और इस छोटे से काम के लिए उसे राज्य सत्ता द्वारा प्राणदंड दिया जाता है। एक नियम है कि अंतमति सोगति, यानी अंतिम समय में जो स्मरण होता है वैसा ही गति होता है।
अंतिम समय में शिव मंदिर का सान्निध्य, शिव स्मरण चाहे गलत ही भाव से, इस कारण शिवगण आते हैं और उसको यमदूतों से छुड़ा करके शिवलोक लेके चले जाते हैं। और उस शिव स्मरण और शिव मंदिर में उस विचित्र प्रकार के दीपदान का प्रभाव ऐसा होता है कि संयोगवश उसके भीतर शिव भक्ति प्राप्त हो जाती है और बहुत समय के बाद वो कलिंग के राजा अरिंदम का पुत्र होकर के पुनः पृथ्वी पर जन्म लेता है और उस समय उसका नाम रहता है दम। बाल्यकाल से ही उसको शिव मंदिरों में दीपक दान करने का बड़ा विशेष शौक रहता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमको आपको किसी विशेष धर्म प्रकार में या किसी पाप को करने में विशेष आकर्षण होता है, वो कई बार पूर्व जन्म के भी कारण होते हैं। तो जो दम होता है वो जब गद्दी पर बैठता है महाराज के शरीर शांत होने के बाद, तो एक आदेश जारी करता है कि भाई हमारे राज्य के अधिकार क्षेत्र में जितने भी शिव मंदिर हैं सब में अनिवार्य तौर पर दीपक प्रज्वलित होगा ही होगा। अब देखें, कहाँ वो ऐसा व्यक्ति जो चोरी करने के उद्देश्य से शिव मंदिर में जाता है और जो कपड़े का टुकड़ा जलाता है उस जलाने का उद्देश्य कोई दीपदान नहीं है, केवल और केवल चोरी है, लेकिन भगवान शिव की ऐसी अहेतुकी कृपा होती है कि वो शिवगण उसको ले जाते हैं, शिवलोक में रहता है, पुनः राजा का पुत्र बन के राजकुमार बनता है, राजा बन जाता है, ये शिव कृपा है। और वही व्यक्ति कुछ कल्प के बाद जब मेघवाहन कल्प नाम का एक कल्प प्रारंभ होता है तो वही यज्ञदत्त का जो पुत्र है वो कुबेर के रूप में अवतरित होता है। ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं पुलस्त्य, पुलस्त्य के विश्रवा और विश्रवा का पुत्र जो है वो कुबेर, और वो कुबेर अत्यंत कठोर तपस्या काशी में करने लगते हैं और भगवान शिव उनके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं और संतुष्ट होकर के वर देते हैं कि जितनी निधियां हैं उसके तुम स्वामी हो, गुहकों के राजा हो जाओ, यक्षों के नरों राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक रहो और सबके लिए धन के दाता बनो। ये है भगवान शिव के मंदिर में दीपदान का प्रभाव। किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं, पवित्र सावन का महीना चल रहा है, एक नियम बना लें कि प्रतिदिन सायंकाल घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है शुद्ध गाय के घी का एक दीपक जलाएं और दो चार पाँच दस मिनट वहाँ बैठ के भगवान शिव से एकदम एकाग्र भाव से प्रार्थना करें। लाभ हानि इस चक्करों में न पड़ते हुए एकाग्र होकर शिव विग्रह पर केवल शिव 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 करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जो जप कर सकते हैं करिए। कुछ नहीं करने की इच्छा होती तो एकटक शिवलिंग को देखिए, शांत रहिए, देखिए क्या आनंद आता है। ये संपूर्ण कथा जो है ये कुबेर की, ये शिवपुराण के रुद्र संहिता के अध्याय 17 से शुरू होकर के और अध्याय 19 तक है। तो संपूर्ण कथा को मैंने बहुत संक्षिप्त में कहा है, लेकिन अगर पूरी कथा देखें तो अध्याय 17 से अध्याय 19 तक तीन अध्यायों में ये पूरी कथा है, लेकिन प्रारंभ ये अध्याय 17 से, प्रारंभ ही अध्याय 17 का इसी यज्ञदत्त की कहानी से शुरू होता है।